अभी तो पिछले 5 दिन से कंटिन्यूअस काम 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 चल रहा है। अभी कल हमारी हम अपनी वीडियो चैनल की शूट करने वाले थे, अभी उसके लिए मेरे को बोलती कल कितने बजे शूट करनी है। मैंने कहा करनी ही नहीं मेरे को। भैया रेस्ट कर लो, बीमार हो जाओगे। सच में लग रहा है मेरे को बीमार हो जाऊंगा। चला जाए अब छट दे सारी नाराजगी, तू अब आ जा मेरे पास। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू डिम्पल मलन ब्लॉग्स। और सुबह के 7 बजे और देखो हम सब रेडी हैं। मैं भी रेडी, मलन साहब भी रेडी। वैसे ये तो हो ही जाते हैं जल्दी, लेकिन ये देखो ये भी रेडी आज सुबह 7 बजे। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ सपनों में। सपनों में ना आपके? हाँ, मेरी ये इच्छा पूरी करने जा रहा है। आज हम जा रहे हैं वृंदावन। जब ये गया था वृंदावन, तब से मेरा मन था कि मेरे को भी जाना है, मेरे को भी जाना है। तो फाइनली आज हम जा रहे हैं। सुबह सुबह देखो ब्रेकफास्ट भी हो गया हमारा, इतनी जल्दी। मैंने पापा भी ब्रेड खा ली। देखो ब्रेकफास्ट भी हो गया। हम लोगों ने 6 बजे निकलना था, लेकिन ये मलन साहब की जो चाय है ना, वो लेट करती है हमेशा। 7 बज गए। अभिषेक चला गया बाहर। और आज फौजी के बेटे क्यों लेट है? फौजी के बेटे, मैं सब चेक कर चुकी हूँ, मैं सारे दरवाजे चेक करके आई हूँ, लेकिन मेरे पे विश्वास नहीं होता। इनको खुद चेक करेंगे। निकल पड़े हैं हम, और रास्ते में देखो बारिश और साथ में धूप भी निकली हुई है। ये मलन साहब जहाँ जाते हैं ना, बारिश ही बारिश करवा देते हैं। वो क्या कहते हैं, वो जब बारिश हो रही हो और धूप भी निकली हो तो किसकी शादी होती है? गिदड़ गिदड़ी दा व्याह। गिदड़ गिदड़ी की शादी होती है। हाँ, गिदड़ गिदड़ी दा व्याह होता है। और ये हमारे पुराने पुराने कहावते हैं। अरे कुछ नहीं है, जब पापा घर से बाहर निकलते हैं तो भगवान जी भी खुश होते हैं। यस, भगवान जी खुश हो रहे हैं इसलिए बारिश हो रही है। और अभिषेक ने पता नहीं कौन सी नई रोड पकड़ ली है, मैप में डाला हुआ है लेकिन एक कट गलत ले लिया। और देखो बहुत अच्छा मौसम है। अभी हम रुके हैं खाना खाने, क्योंकि भूख भी लगी है तो पापी पेट का सवाल है। ये कह रहा है मैं डाइटिंग पे हूँ, मुझे खाना नहीं खाना है। लेकिन हमने कहा हम थोड़ी डाइटिंग कर रहे हैं, हमें तो भूख लगी है, हम तो खाना खाएंगे। खाना हमने खा लिया। और अब ड्राइवर चेंज हो गया हमारा। ऐसा क्यों भाई? थक गया। कह रहा है कि मैंने खाना खा लिया, अब मेरे को सुस्ती पड़ेगी, मैं सोऊंगा अब। इसलिए कह रहा मैं थक गया हूँ गाड़ी चला के, इसलिए मलन साहब अब गाड़ी चला। ये जवान है आजकल के, हम नौजवान हैं। ओए हो हो, फाइनली पहुंच गए हम वृंदावन। और अभी गाड़ी पार्क करके अब रिक्शा पे जाना पड़ेगा। नहीं बचाया ना मैंने। गाइस अब हमारी चल रही है रिक्शा राइड, क्योंकि हम वृंदावन में एंट्री हो गए हैं। और मम्मी क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बोलो राधे राधे राधे। मैं और कान्हा जी देखो सेम सेम बने हुए हैं। अरे चूड़ीस फोन संभाल लेंगे पापा, फोन टेंशन मत। पापा को आधे टाइम यही टेंशन रहती है कि कभी इनका फोन चोरी हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। चोरी नहीं हो जाएगा, बंदर ले जाएंगे, वो सुन नहीं रहा उनकी बात। कोई दिक्कत नहीं आया। तो गाइस फाइनली दर्शन सारे हो गए। और मम्मी कैसा मजा आया? बहुत मजा दर्शन। मेरा ना भी जाना है ना भाई, मन कर रहा था। हां गांधी पार्क बिल्कुल है ना, कोतवाली। मतलब मैं तो बस आ रहा हूं, सबसे ज्यादा मेरे मन को शांति मिलती है वृंदावन आके। मुझे ऐसा लगता है यही रहो, आते जाओ, हमेशा आते जाना चाहिए। आज तेरा लकी डे रहा ना, तेरे को राधा वल्लभ के भी दर्शन। फाइनली मतलब मैं कितने सालों से आ रहा हूँ, जब भी आता हूँ कुछ ना कुछ ऐसा इधर उधर हो जाता है। तभी वो बोलते हैं ना राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, हाँ। तो वो वाला सीन है, बट आज फाइनली हो गया। आज तुम्हें खुले दर्शन हो गए, मजा हो गया। आज बैठ के दर्शन करे हमने, मजा आ गया। दर्शन करके पहुंच गए हम, और देखो कितनी तेज धूप है भाई। देखो हम घर घुसे हैं, और ये पहले ही आई हुई है शूट करने। भाई थोड़ा सांस ले लेने दो, हमें अब 2 घंटे हाँ। सांस लो आराम से, 2 घंटे बाद में आपको परेशान करने आऊंगी। इतनी भी क्या जल्दी थी शूट की? आंटी मेरे को नहीं है। हाँ ऊपर से ऑर्डर आए, ऑर्डर आए हैं। अभी तो निश्चय का हो रहा है, उसके बाद में जब हम आए तो ये शूट कर रहा था देखो, और इतनी देर बाद अब ये मिला है। ये देखो फिर पीछे आ गई है। मुझे लगता है नोनू को ये कहते कर लो प्लीज प्लीज शूट कर लो प्लीज प्लीज करके बस। नहीं अभी तो मैं निश्चय को छोड़ चुकी हूं, निश्चय का हो गया। अब मैं अंकल अभिषेक आंटी पीछे पड़ी हूं।
ये करना पड़ेगा, ये शूट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मना नहीं कर सकते, वो ब्रांड का ये है, ये करना पड़ेगा, मना नहीं कर सकते, ये डेडलाइन है, प्लीज कर लो, ऐसा कर दो, मैं रो दूंगी, प्लीज कर लो। अब नया ही तरीका है इसका भाई, नया तरीका इसका ढूंढ लिया इसने, कह रही है मैं रो के काम करवाती हूँ। बचपन में ऐसे बच्चे होते हैं ना कि रो रो के बातें बनवा लेते हैं, तो मैंने वहां से ये टेक्निक ली है। अभी जो कल मैं मुंबई गया हूँ ना एक दिन के लिए, वो मना था, बिल्कुल मना था, मेरे को बोल बोल के इसने करना पड़ेगा एक नहीं। दिन की बजाय दो दिन काम ही करने जाता ना। हाँ, एक दिन में वापस लेके आई हूँ, सुबह की फ्लाइट पकड़ी और रात को वापस लेकर आई, आने वाली थी, आने वाली थी लेकिन दो दिन लग गए। वो तो आंधी, वो ब्रांड के एंड से हुआ था। मैं तो पूरी कोशिश, मैं सोच रहा था 10:50 हमें फ्लाइट पकड़नी है तो पकड़नी है, बट फिर वो हो ही नहीं पाया, फिर अपन सुबह आए। मैं तो भाई काम कर करके थक गया भाई, अभी तो पिछले 5 दिन से कंटिन्यूस काम 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 चल रहा है। अभी कल हम अपनी वीडियो चैनल की शूट करने वाले थे, अभी उसके लिए मेरे को बोलती कल कितने बजे शूट करनी है, मैंने कहा करनी ही नहीं मेरे को कल, तो मेरे में हिम्मत ही नहीं है, मैं कल तो आपके चैनल के लिए बोल रही थी ना मैं। हाँ, तो वो भी काम तो वो भी है हमारी। हाँ, वो परसों करेंगे फिर, कल एक दिन तो छुट्टी चाहिए मेरे को, तो मैंने बोला क्योंकि भाई अभी सुबह दिल्ली पहुंचा है, उसके बाद अभी शूट करा है, अभी उसके बाद स्ट्रीम भी करने जा रहा हूँ, स्ट्रीम भी करनी है, डेडिकेशन। तो फिर रेस्ट कर लो, बीमार हो जाओगे, सच में लग रहा है मेरे को बीमार हो जाऊंगा। कल इसीलिए फिर कल के दिन मैं छुट्टी ले रहा हूँ, कल मैं पूरा दिन वहाँ सामने अपने स्थान पे बैठ के पूरा दिन स्प्लिट्स विला देखूंगा। ये देखता है, सच बता रहा हूँ मैं आपको, ये स्प्लिट्स विला देखता है। मैं बता रहा हूँ, मैंने स्प्लिट्स विला देखना शुरू करा था क्योंकि उसमें मेरा एक यूट्यूबर फ्रेंड आदित्य है, वो है, वो था, अभी वो चला गया, निकल गया, खुद ही छोड़ दिया उसने। मैं उसकी वजह से स्प्लिट्स विला देखना स्टार्ट किया था, पर फिर उसके बाद लोगों की बिन बात के जो लड़ते रहते ना, बिन बात के, मतलब कोई भी रैंडमली खड़े होकर चिल्लाना शुरू कर दिया, तू क्यों बोल रहा है बीच में, तो वो कह रहा है अब मैं वो छोड़, तू क्यों बोल रहा है बीच में। और एक घंटे कल का जो मैंने एक एपिसोड देखा, एक घंटा वो लोग सिर्फ उस जगह पे खड़े हुए यही बोलते रहे, तू कैसे बोल रहा है बीच में, तो वो कहता है तू इसको कैसे बचा सकती है। मेरे को भी विश्वास नहीं होता कि मुझे ऐसा लगा रोज वीडियो बनानी होगी। नहीं नहीं, ये आदित्य की गलती है क्योंकि वो स्प्लिट्स विला में गया, उसकी वजह से मैंने देखा और अब थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट आ गया। फिर उसके बाद अब वो मेरे को कह रहे तू ठीक है, तू स्प्लिट्स विला देख रहा है, मैं कहा मुझे भी नहीं पता पर मजा आ रहा है। जो बिग बॉस में मिसिंग है ना, जो बिग बॉस में नहीं हो रहा वो स्प्लिट्स विला में हो रहा है, लोग बिना बात के लड़े जा रहे हैं। अब लोगों को चाहिए क्या कि दूसरों को लड़ते हुए देखे, उसमें मजा आता ना बिग बॉस में, तो वो स्प्लिट्स विला में ज्यादा अच्छा हो रहा है मेरे को लग रहा है। निश्चय करने लगा है लाइव स्ट्रीम और पानी लेके नहीं गया था, तो मैंने सोचा मैं पानी दे आती हूँ और कुछ खाने को भी दे आती हूँ, तो उसके लिए मैं लेके आई हूँ मखाने, क्योंकि बाहर रहता है वैसे ही अनहेल्दी खाता है, तो यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा हेल्दी हेल्दी खा लेगा। आपके लिए लेके आई हूँ मैं, देखो मखाने। यस, हेल्दी खाओ, हेल्दी ओनली हेल्दी। I will get fit. Thanks, mom. You're bad. Thanks. समझ आया मैं क्या बोला? Thanks, mom. You are the best. Oh yeah, शायद मैं समझ गया। Yeah. अब मैं समझ लेती हूँ तू क्या बोलता है। I'm saying, okay. ओके, निश्चय को अभी मैं पानी दे के आई हूँ, खाने को दे के आई हूँ मखाने, अब मैं आई हूँ किचन में, और किचन में क्या पकने वाला है आज, क्योंकि सुबह खाना नहीं बना तो अब तो बनाना पड़ेगा ना, और वो भी हेल्दी, क्योंकि निश्चय ने मेरे को बोला कि मम्मी मैं इतने दिन बाहर रहता हूँ वहाँ, तो मैं इतना अनहेल्दी खाना खाता हूँ, तो मेरे को हेल्दी हेल्दी खाना है, तो इसलिए मैंने बनाया हेल्दी वाला सैलेड। देखो, बीटरूट, कॉर्न्स डाले हैं, स्प्राउट्स डाले हैं, और लेटस, आइसबर्ग, पनीर, बहुत सारा कुछ डाला है, सिर्फ हेल्दी, तो ये सैलड हो गया। और एक मैंने बनाई है चने की दाल, चने की दाल में घिया डाली है, फुल ऑफ प्रोटीन। घिया खिलाने की टेक्टिक्स, पहले मैं मलन साहब को रोटी देती हूँ क्योंकि वो वेट कर रहे हैं, उन्होंने अपनी दवाई भी खानी है, तो इसलिए पहले चलिए उनको देते हैं, उसके बाद फिर निश्चय अभिषेक तो वैसे ही लेट खाते हैं। और ये मलन साहब की प्लेट रेडी हो गई है, आप देखना दाल देखते ही उनका रिएक्शन ऐसे मुंह बन जाएगा, दाल देखते ही मुंह बन जाता है उनका। मैंने सैलेड भी काटा है
और दूसरा सैलेड भी दिया है, चटनी भी दी है, फिर भी चलो मैं दिखाती हूँ आपको। बाहर एक्चुअली गर्मी बहुत होती है तो इसलिए खाना यहाँ बैठ के, ये ऑलरेडी यहाँ बैठे हुए हैं, ये लो। अबे कहाँ है? रिएक्शन आया नहीं, मुझे तो लगा दाल देखते ही ऐसे कर देंगे। दाल क्या हुआ आज? कुछ नहीं, आज खुश हो दाल से? हाँ जी। अच्छा जी, थैंक्स। बिजी बहुत है ना भाई साहब? Yeah, I'm very busy man। ये न्यूज देखने में और... न्यूज हटा दी, हटा दी। अब क्या देख रहे हो? अभी मैं देख रहा हूँ लाइव निश्चय की स्ट्रीम। ओके ओके ओके, खाना एंजॉय करो। व्हाट इज दिस सैलेड? इनकी हमेशा एक ही शिकायत रहती है, तू खाना अच्छा नहीं खिलाती मेरे को। तो मैं, मेरे को तो जो आता है मैं बना देती हूँ, अब अच्छा लगे ना लगे वो इन पे डिपेंड करता है ना। आप कभी तारीफ नहीं करते मेरी, कभी भी नहीं। बहुत बढ़िया, जबरदस्ती नहीं है? नहीं, एक्चुअली इनको चाहिए होते हैं वो मिर्च मसाले वाले, चाट दे दो, गोलगप्पे दे दो, समोसे खिला दो। आते ही जब हम वृंदावन से आए हैं, आते ही अभिषेक को कहते हैं गोलगप्पे मंगवा दे, तो मैंने मना कर दिया उसको, उसने नहीं मंगवा के दिए ना। तो तब से ही ऐसे हो रहे थे कि कुछ ऐसा खाना है मेरे को चटपटा, तो मैं नमक मिर्च कम डालती हूँ, उसमें घी कम डालती हूँ, तो वो पसंद नहीं आता इनको आजकल। खाने का टाइम है भाई साहब, अब इनका वर्कआउट का टाइम है, क्योंकि आज पूरा दिन टाइम नहीं मिला, तो कह रहा है खाना तभी खाऊंगा जब वर्कआउट करूँगा। हाँ, कि खाना तभी खाऊंगा। कभी कभी अच्छा लगता है कि वर्कआउट कर लेते खाना खाने में। अभी देखो फिर चले जाऊंगा परसों मुंबई काम से, फिर वर्कआउट पता नहीं कहाँ चला जाएगा। तो जब तक घर पे है तो तब तक तो करना चाहिए ना। ये मेरा साथी रहा है बचपन से, बचपन से मैंने यही वाला प्रोटीन खाया हमेशा है ना। तो आपका खाना? मेरा खाना वर्कआउट के बाद मैंने बना के रख दिया। ठीक है मम्मी, साथ में आप दाल भी जरूर खाना। ठीक है, चटनी बनाई है आपके लिए। ठीक है, और कुछ चाहिए तो बताओ। नहीं मम्मी थैंक्स, बस एक कटोरी भर के रख दूंगा। कटोरी भर के रख दूंगा। ओके, निश्चय लाइव स्ट्रीम कर रहा है, उसकी सेकंड फ्लोर से आवाज़ें आ रही है जोर जोर से चिल्लाने की। अभिषेक नीचे जिम कर रहा है बेसमेंट में, उसकी इतनी लाउड म्यूजिक की आवाज़ आ रही है। हमारा काम खत्म हो गया है, बस मेरे को एक कोल्ड कॉफ़ी देनी है निश्चय को, उसको मैं कोल्ड कॉफ़ी देती हूँ। आप वीडियो को लाइक करो, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।